तो मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 11 के जीव विज्ञान वाले छात्र ध्यान है। देखिए जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ सुबह के 9 बज चुके हैं, ठीक है, सुबह के 9 बज चुके हैं और आप सभी का देखिए 2:30 बजे से एग्जाम है, ठीक है, 2:30 बजे से आप सभी का एग्जाम है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है अभी अभी मुझे मिल चुका है, यहाँ पे देखिएगा आप, अभी अभी यहाँ पे मैंने अरेंज कर लिया है। तो अगर आपको देखिए 2:30 बजे गर्दा मचाना है, जी हाँ, 70 में से 70 अंक अगर आपको गेन करने हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। देखिए समय बहुत कम है, समय इतना ज्यादा कम है जिसके कारण मैं यहाँ पे देखिए फुल सॉल्यूशन की वीडियो नहीं बनाऊंगा, मतलब कि सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, और जो ये क्वेश्चन पेपर है इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा मैं बड़ी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि समय कम है और बहुत सारे छात्रों की यहाँ पे डिमांड थी कि कक्षा 11 जीव विज्ञान के सेट ए का हमें पेपर चाहिए, ठीक है, तो फाइनली मैं लेकर के आ चुका हूँ। तो छात्रों यहाँ से देखिए सही विकल्प चुन करके लिखना है, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है, पादप जगत के उभयचर होते हैं, मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से अंडे देने वाली स्तनधारी पौधों की जड़ों से जल तक खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, रॉबर्ट ब्राउन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, एटीपी की खोज किसने करी थी, रिक्त स्थान आप देख लीजिए, ठीक है, तो लगभग यहाँ पे 4-5 रिक्त स्थान दिए गए हैं, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे छात्रों। तो यहाँ से देखिएगा आप और जो आपके रिक्त स्थान बचे हुए थे यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, ये सारे रिक्त स्थान यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, केंद्रक की खोज, डीएनए और आरएनए के उदाहरण। यहाँ से देखिए एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देख लीजिए, इसके बाद देखिएगा छात्रों यहाँ पे आपके सही जोड़ियां दी गई हैं। तो छात्रों जैसा कि आप सभी के पास टाइम बहुत कम है, देखिए 2 से 3 घंटे का ही टाइम है, तो ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको बताऊंगा अपने मोबाइल में डाउनलोड करके, क्योंकि देखिये सॉल्यूशन को समझाना बहुत ही जटिल काम होता है और उसमें पूरा टाइम चाहिए पड़ता है, तो वो टाइम मेरे पास है नहीं और आप सभी के पास भी नहीं है क्योंकि आप सभी को एग्जाम देने के लिए भी जाना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, तो सहजीविकता से कि आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक वर्गीकरण क्या है, आर्थ्रोपोडा संघ की 2 विशेषताएं, पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए, कैलेनोकाइमा का ऊतक के 2 कार्य बताइए, मास्टर्ड कोशिका कहाँ पाई जाती है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ और जो क्वेश्चन आपके आज आने वाले हैं, ठीक है, 2 बजे, कोशिका भित्ति के 2 कार्य, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, पादप एवं जंतुओं में कोई 3 अंतर, ठीक है, इसके बाद देखिए कवक मूल का शैवाल में कोई 3 अंतर, ठीक है, इसके बाद देखिए कार्डेटा एवं नॉन कार्डेटा में अंतर, जाइलम व पेलोयन के 2-2 कार्य, ठीक है, हृदय पेशी की संरचना का चित्र, हरित लवक की संरचना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार एवं उनके कार्यों का वर्णन, ठीक है, यहाँ पे देखिए निषेचन क्या है महत्व लिखना है और यहाँ पे देखिए आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग कथन के प्रमुख कारण लिखिए। तो छात्रों यहाँ पे मैंने आपको संपूर्ण पेपर दिखा दिया है, अब चलिए मैं आपको अपने मोबाइल में इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो छात्रों जैसा कि मैं आपसे बार बार बोल रहा था, मैंने सॉल्यूशन की पीडीएफ बना ली है, देखिए जीव विज्ञान फुल सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहाँ से पूरा सॉल्यूशन डला हुआ है, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आप देख लीजिए, संपूर्ण क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो छात्रों चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है, ठीक है, सॉल्यूशन की पीडीएफ और पेपर की पीडीएफ दोनों आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा छात्रों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर ढूंढना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रोम ब्राउजर है, इसको ढूंढना है, गूगल मिलेगा, गूगल में सर्च करना है आपको, देखिए ध्यान से देखना आप, स्टडी नोट्स पीजिए, ठीक है, स्टडी नोट्स पीजिए, आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ, देखिएगा हाँ आपको देखेगा studynotespj.com, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ऊपर ही देखने के लिए मिल जाएगा नंबर प्लेटफॉर्म फॉर MP बोर्ड, नीचे आएंगे आप देखिएगा जॉब वाई क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन मिलेगा जिसमें कि आपको देखिए MP बोर्ड वाला कॉलम ढूंढना है, ठीक है, MP बोर्ड वाला कॉलम मिलने के बाद उस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने बाद भी बात होगी, देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश बोर्ड त्रिमासिक परीक्षा असली पेपर हल सहित PDF 2023, ठीक है, ये डली हुई है। अब देखिएगा छात्रों हमें चाहिए कक्षा 11, ठीक है, तो कक्षा 11 यहाँ पे दिया गया है, विषय यहाँ पे दिए गए हैं कक्षा 11 के, तो यहाँ से हम जीव विज्ञान ढूंढेंगे। तो छात्रों यहाँ पे हम नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें जीव विज्ञान मिल जाएगा, देखिए ये जीव विज्ञान दिख रहा होगा। अब छात्रों यहाँ पे देखिए ये है कक्षा 12 का और यहाँ पर है कक्षा 11 का, ठीक है, इस साइड 12 का, इस साइड 11 का, वरना आप इस साइड क्लिक कर दो, तो यहाँ पे देखिए कक्षा यहाँ पे 11 का दिया गया है। तो छात्रों देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक मिनट के लिए आप देखिएगा, यहाँ पे कक्षा 11 का हमारा देखिए जीव विज्ञान का ये सेट ए है, ठीक है, कक्षा 11 का जीव विज्ञान का सेट ए, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ सेट ए पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिएगा जीव विज्ञान, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ,
देखिएगा जीव विज्ञान सेट ए, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए पेपर हमें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही नीचे आएंगे देखिए वही पेपर यहाँ पे डला हुआ है। तो छात्रों अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है ना सॉल्यूशन की, तो आपको क्या करना है, नीचे आना है, नीचे आना है और यहाँ पे देखिए किसी भी एक व्यू पॉइंट पे आपको क्लिक करना है, और ये सेकंड खत्म होने से पहले क्लिक करना है, ठीक है। तो किसी भी एक पोस्टर पे क्लिक करना है, अगर सेकंड खत्म होने की बात करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले ही क्लिक कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है, जिसके कारण देखिए सेकंड अब बस खत्म होने ही वाले हैं और अंदर एक हरे कलर का डाउनलोड बटन आएगा, क्योंकि मैंने एक पोस्टर पर क्लिक कर दिया था। तो देखिए ये आ चुका है। अगर मैं पोस्टर पर क्लिक नहीं करता तो ये डाउनलोड बटन नहीं आता, जिसके कारण यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो पाता। तो देखिए छात्रों ये पीडीएफ जो है डाउनलोड हो चुकी है। तो अगर आपको देखिए ये पीडीएफ सॉल्यूशन की मिल चुकी है, और जो ये मैंने पेपर बताया ना, देख लीजिए आप, कुछ इस प्रकार से पेपर मिल चुका है। तो 2-2:30 बजे आपको यहाँ पे आज गर्दा मचाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आज पूरा आप 70 नंबर का पेपर करके आने वाले हैं। जी हाँ, 100% आप पूरा पेपर करेंगे। लेकिन देखिए कभी भी ये नहीं बोला जा सकता कि ये असली पेपर है या फिर यही पेपर आएगा या रियल पेपर है। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो है आईएमपी होते हैं, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं, बट आप ये मत मानिए कि सभी 70 जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने के लिए इसमें से मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इतना बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए छात्रों हम कभी भी ये नहीं चाहते या फिर ये नहीं जान सकते कि ये असली पेपर है, ठीक है। तो ये आईएमपी हो सकता है लेकिन असली नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, इसको कर लेना है एक बार, ठीक है।